क्लास टेंथ साइंस, साइंस में पढ़ेंगे और लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 8। और आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक अध्ययन करेंगे, माने क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक। क्वेश्चन 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक। सब लोग किताब निकालो, पृष्ठ संख्या 155 है। विवेक बाबू, आज हम लोग प्रश्न 1 से लेकर 6 हल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में कि लेसानिया में। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है और कह रहा है कि अलैंगिक जनन किस में होता है, तो क्या लिखेंगे? ईस्ट में। तो पहला के विकल्प नंबर बी आपका सही है। कौन सही है? बी। तो पहला के बी सही है, तो बी आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। ईस्ट जो लिखा है सही है। आ जाओ दूसरा नंबर पर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्र यही यार, तो पुरुष में पाया जाता है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शुक्रवाहिका। अब मादा में कह रहा है, ए खाली बात करोगे तुम। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या होगा? शुक्रवाहिका। यानी विकल्प नंबर जो सी है वह क्या है? सही है। तो दूसरा का सी आपका सही है। पराग कोश में होते हैं, पराग कण पढ़े ना आप लोग। तो तीसरा के जो विकल्प है डी आपका सही है, जो पराग कण लिखा गया वो सही है आपके पास। समझ रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन की क्या लाभ होती है, ये क्वेश्चन अब लिखने वाला है। ए इधर सुनो बाबू, कह रहा है कि अलैंगिक जनन के तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है। आप पढ़े होंगे कि अलैंगिक जनन में एक ही कोशिका के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है और जो नया जीव बनता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में दो नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, और इसमें जो जीव बनता है वो अपने जनक से क्या होता है? अलग होता है। जनक से अलग होता है तो संसार के जो विविधता होती आती है, मान विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग जीव की उत्पत्ति हो सकती है, इसीलिए लैंगिक जनन बेहतर होता है। और अलैंगिक जनन क्या होता है? बेहतर। तो लिख लो, उत्तर लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में एक ही जनक से या एक ही कोशिका से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, और वह जीव और वाजीव अपने जनक के समान होता है, और वाजीव अपने जनक के समान होता है। जबकि लैंगिक जनन में, ए बात मत करो यहाँ ब्लैकबोर्ड पर, देखो ना यार क्या बात करते रहते। लैंगिक जनन में जो जीव बनता है वह, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, वह अपने जनक के जनक से अलग होता है। जनक से क्या होता है? अलग होता है, जिसके फलस्वरूप, जिसके ये सब आपको पढ़ाया गया है, फलस्वरूप उसमें विभिन्नता आ जाती है। इसलिए अलैंगिक जनन से अच्छा होता है, लाभकारी होता है।
अलैंगिक जनन से लाभकारी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर बोर्ड में आ जाएगा तो लिख लेंगे। अब एकदम बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जो भी पढ़िए उसको तैयार करते रहिए। क्या क्या कार्य होता है? प्रश्न यही है कि मनुष्य में जो मानव होता है उसमें वृषण के क्या क्या कार्य होती है, ये बाद में बात करना है यार, पढ़ने के लिए आए हो तो क्या बात है। पहला बात, वृषण में शुक्राणुओं के क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा बात अनमोल बाबू, वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनता है उसका पोषण देने का भी काम करता है। तार वृषण शरीर के तापमान से 2 डिग्री या क्या है कि शरीर के तापमान जितना वो अगर उतना वृषण के भी तापमान रहेगा वही से कबो अपना शीशन के गर्म जल के अंदर मत डुबा दिया। इना के लिए आगे बाल्टी गरमाइल में वही में डाल दिया, पानी अंदर घुसेगा तो शुक्राणु मर जाएंगे। धोना होगा तो ठंडा पानी से, नहीं तो गर्म पानी से नहाना नू तो झीले बांध देना, ये गर्म का पानी नहीं जाए उसमें। माला इतना गर्म पानी बाब हीटर पर गर्म एकदम गर्मे बा और मैं घुस गए छेद माया लोग तो का होता। हाँ मैं झलका हो जाए, आप देखा ही झलका पर चले गए। चलो लिखते हैं अरे तू ही लगाइए बाबू, उतारे लगे ना बाबू के लिए परेशान के कार्य का लिखल हो देखो निम्न लिखित है या निम्न है, 1 2 3 तीनों का लिख लो। पहला लिखना ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, कौन उत्पन्न करते हैं, हाई देखिए इसमें शुक्राणु परिपक्व भी होते हैं। केहू पूछे का वाला भीषण, वो जमाना था हम लोग लजाते थे इस सब सुनने से, और आज जमाना है यही पढ़ाई होती है। जब तक आप पढ़े नहीं रहते तब तक शक में जीते हैं, और जब पढ़ लेते हैं तो शक खत्म है। आगे लिखना कि ये हार्मोन माने ये लिखना, ये टेस्टोस्टेरोन एस्टोरान हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है या उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। आज जब उत्पन्न करती है तो क्या होता है ना कि ये शुक्राणुओं के बहुत अधिक मात्रा में, माला पूरा पेट में शुक्राणु भरे तो काम ना हुई, ये शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु इसको नियंत्रित काम करने के ही करती है। तू जानते बड़ा कि मानव में एक जोड़ी द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करती है। याद है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, शरीर पर बाल उगना, आवाज मधुर होना, छाती ऊंचा होना, ये सब होता है। सबको क्या करती है, नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है, टेस्टोस्टेरोन। ये सब आपसे पूछा जाता है, इस तरीके से आप इसको बता देंगे, नियंत्रित करती है। लिखा गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसका नाम है ऋतु श्राव क्यों होता है, MC क्यों आती है, इसी के बारे में। देखिए MC आने के प्रमुख कारण है,
लिखो यार अभी इसको पढ़ा देखो कायम सी आता कोई बताएगा। हाँ मिटा दें चलो तका जा रोल जा अरे माई ने माई कहा जा बोला हमने के पढ़े के बाद मासिक चक्र के आते है बाबू आदित अरे एमसी कहाँ आ वाला हो तो कहोगे कि हर महीना अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होता है। आज जब अंडाणु का निषेचन नहीं रहता है तो अंडाणु नष्ट हो जाता है और फिर वही जो होता है रक्त के द्वारा क्या होता है बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मासिक चक्र कहते हैं। काहे की क्रिया को संपन्न होने में एक महीने का टाइम लगता है। हाँ निषेचन हो जाएगा तो गर्भधारण हो जाएगा और जब गर्भधारण हो जाएगा अभिषेक बाबू तो एम सी का होगा नहीं आएगा बंद हो जाएगा। याद कर लिया आज अभिषेक तुम्हारे ब्याह हो गए तुम्हारी पत्नी पूछ दे बताओ एम सी क्यों आता है तो बता दोगे ना। चलो लिखो लिखो स्त्रियों में हर महीना अंडाशय से हमने कैसे पढ़ लो ये कबो ना भुला सके नहीं आप पूछा बताते हुए नहीं तुम्हें स्त्रियों में हर महीने अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होता है। एक अंडाणु का निर्माण होता है निर्माण होता है और जब पढ़ो और जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह अंडाणु नष्ट हो जाता है एकदम सिंपल लिखा रहे हैं और पुनः रक्त के द्वारा बाहर निकल जाता है जिसे हे भाई कहाँ कहते हैं ऋतुस्राव कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बैठ जाओ इस पूरी प्रक्रिया को कदम जगह दे दो बाबू पूरा होने में एक महीना का समय लगता है जिसे मासिक चक्र कहते हैं। नोट कर लो इसको और समझ गई ना।